अपने बेटे को ना नाश्ता बना के लाई हूँ, ब्रेड और ऑमलेट। बेटा खा लो, अभी गरम गरम खा लो, फिर ठंडा हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो हैं? इधर आ जाओ, पानी पीना है पहले। यहाँ पे ना मैं बेसन की रोटी अपने लिए बनाने लगी हूँ, और ये ऑलिव ऑयल की फ्रेश बॉटल जो मैं अभी खोलने लगी हूँ, 1 लीटर की ये बॉटल है, बिल्कुल न्यू। तो ऑलिव ऑयल में जो है मैं बेसन की रोटी बनाऊँगी। ऑयल डाल के अगर बेसन की रोटी आप बनाए ना तो वो चिपकती नहीं है पेंदे से। उसको अच्छे से जो है ना, जिस भी पैन में आप बना रहे हैं रोटी, अच्छे से फैला लेंगे। बेसन की रोटी बनाने का ना बेस्ट तरीका, चीला टाइप जिसको कहते हैं ना, ये वो बना रही हूँ। जब एक तरफ से रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली बर्तन को छोड़ देगा, तो मैं इसको टर्न कर लूँगी। एक चीला तो जो है वो मैंने सादा बनाया, दूसरा जो है मसाले वाला बनाऊँगी। थोड़ा नमक तेज ज़्यादा करेंगे क्योंकि कम नमक इसमें, नमक डालेंगे हम। और इसमें थोड़ा सा जो है वो लाल मिर्च पाउडर जाएगा, हल्की सी हल्दी जाएगी, धनिया पाउडर जाएगा इसमें, ठीक है। ये डालने के बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा प्याज भी ऐड करेंगे इस चीले में, तो फिर ये और टेस्टी हो जाएगा। थोड़ी सी हरी मिर्च कुतर के ना डाल के मैं इसको फेंट के जो है वो मसाले वाला चीला बनाऊंगी। जी ये वाला चीला ऑलमोस्ट एक साइड से रेड हो गया है, क्योंकि इसने किनारों से बर्तन को छोड़ दिया है फ्राइंग पैन को। बिल्कुल जब तक टच नहीं करेंगे, जब तक ये एक साइड से रेड ना हो जाए, ऑटोमेटिकली ये छोड़ ना दे पैन को। ये देखो कितना ज़बरदस्त सा लाल रंग का चीला जो हमारा रेडी हो गया। और इसको आप साल डाइटिंग के दौरान सालन के साथ खाएं, तो पेट भी भर जाएगा और आपका जो है ना वेट भी नहीं बढ़ेगा। डाइटिंग के दौरान तो ये बेसन की रोटी जो है ना वो बेस्ट है। तो बेसन ज़रा पतला रखेंगे और हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना, तो ये सॉफ्ट बनेगी बेसन की, और बेसन का जो चीला है ये देखें आप कितना बेस्ट तरीके से दोनों तरफ से जो है ना गोल्डन हो रहा है, पक रहा है। ऑलिव ऑयल में पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन आप दूसरे भी किसी ऑयल में पकाना चाहते हैं तो बेस्ट है। ये देखें ये सादा चीला जो हमारा सालन के साथ खाने के लिए रेडी हो गया। अब मैं मसाले वाला बनाऊंगी। बाकी मसाले तो मैंने डाले ही हैं आपके सामने इसमें, जो है मैं इसमें हरी मिर्च भी कुतर के ऐड करूंगी। मसाले वाला ना ये मेरा चीला जो है ना ये बिल्कुल पकौड़ों की तरह रेडी होता है। मेरे पास अभी हरा धनिया है नहीं, वरना मैं हरा धनिया भी इसमें ऐड करती। घोल लेंगे अच्छे से, जो नमक लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर हल्दी वगैरह मैंने इसमें ऐड की थी, प्याज और हरी मिर्च वगैरह। एक सादा बनाया है मैंने चीला, वो किसी सालन वगैरह के साथ खा लूँगी मैं। और ये मसाले वाला है, ये भी बहुत मज़ेदार। दोनों डाइटिंग में कामयाब हैं आपके लिए दोनों चीले। आप बना के 2-3 जो है ना फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब गर्म करके खाना हो आप खा लें, या ताज़े खाने हो फ्रेश तो आप फ्रेश भी खा सकते हैं। 2-3 दिन ये फ्रिज में भी चल जाते हैं, बट आपके पास टाइम नहीं है आप इकट्ठे बना के रख दें, और जब खाना हो तो आप जो है इसको फ्रिज से जो है वो निकाल लें। और वेट भी नहीं बढ़ेगा आपका। ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं आप, इसको फैला देंगे अच्छे से फ्राइंग पैन में हम।
एक तरफ से लाल हो जाएगा तो फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। ये देखें इस साइड से रेड हो गया है, जब ये बर्तन को छोड़ दे किनारों से तो समझें कि एक साइड से तैयार है, तब आप इसको टच करेंगे। ये देखें कितना रेड और गोल्डन मसाले वाला चीला जो है हमारा रेड हो रेडी हो गया। इसी तरीके से फ्लिप करने के बाद दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन होने देंगे, फिर जो है हम इसको प्लेटर में निकाल लेंगे। ये सादा नमक वाला है, इसको आप किसी सालन या दही वगैरह के साथ अचार के साथ खा लें, ये मसाले वाला है ये तो एज इट इज़ भी खाया जा सकता है किसी भी सॉस के साथ, वो सालन रोटी के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है सादा वाला चीला। ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है हमारा मसाले वाला चीला भी, और ये बहुत टेस्टी बनता है, बिल्कुल पकौड़े जैसा ही टेस्ट आता है। मसाले वाला चीला भी रेडी है। मैंगो मिल्क शेक अभी मैंने रेडी किया, मैं इसको जग में शिफ्ट करने लगी हूँ, फ्रिज में बना के रख दो ना तो एंड टाइम पे जो है ये बना हुआ मिल जाता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा मज़ेदार सा। नया लॉन का मैंने चिकन फैब्रिक है ड्रेस पहना है और साथ शिफॉन की जॉर्जेट जो है स्लीव्स हैं और कफ्स हैं, छोटे छोटे कफ रखवाए हैं आगे मैंने इस पर, और इस ड्रेस के साथ जो है मैंने गोल्डन एक्सेसरीज डिज़ाइन की हैं, डिज़ाइन मतलब सॉरी मतलब पहनी है, देखो क्या से क्या बोलता है इंसान। ये वॉच है मेरी एक, और इसके साथ ये बहुत ही प्यारी डिसेंट सी एक मैंने बैंगल पहनी है, और बैंगल के साथ जो है ना नीचे ये एक शेल हैंग हो रहा है, हैंगिंग शेल है इसके साथ, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी, ठीक है। अच्छा इसकी जो है डिटेल्स ये हैं कि गला बहुत ही प्यारा जो है वो गोल गला है और फिर बीच में से राउंड कटिंग के साथ है, प्लेन ड्रेसेस सब, ब्लैक शलवार जो है ये मैंने स्टाइल की है, ब्लैक शूज और ये रेड दुपट्टा है इसके साथ, बहुत ही प्यारा एज यू कैन सी, ठीक है। और होपफुली पसंद आएगा ड्रेस आपको। शूज़ जो है मैं दिखा देती हूँ, ब्लैक इसके साथ शलवार है प्लेन और ब्लैक की चप्पल जो है, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो आपको पता है वो क्लीन है, रेड एंड ब्लैक में जो है ना ये मैंने आज सारी ड्रेसिंग की है, और रेड लिपस्टिक मैं बहुत कम कभी कभी लगाती हूँ, आज मैंने जो है वो रेड लिपस्टिक भी इसके साथ जो है लगा ली। बाल ना मैंने अभी शावर किए पूरे गीले हो गए,
आप तो कमेंट करके बताइएगा कि ड्रेस कैसा लगा आप लोगों को। आते हुए मैं अभी अपने लिए ये रोल लेके आई हूँ और साथ मैंगो मिल्क शेक इंजॉय करूंगी मैं। अलावा इम्तियाज से ये दो पैकेट लाई थी मैं, एक मेरे बेटे ने खा लिया, मैंने मेरे बेटे ने एक ये बचा है। और इसके अलावा ये नींबू लाई थी मैं इम्तियाज से, काले चने लाई थी। थकी हुई आई हूँ मैंने जो है ना, अभी इसने तो मलंगा पानी में भिगोया, अब इसके बाद ये ग्रीन वाला शरबत जो है उसमें घोल के पीऊँगी। इतनी बाहर से आप जब आओ ना तो इतनी गर्मी फील हो रही होती है, फौरी तौर पे किसी जो है ना एनर्जेटिक ड्रिंक की ज़रूरत होती है आपको। तुखम मलंगा के साथ तो ये फिर बेस्ट हो जाता है ना, फ्लेवर के बगैर तुखम मलंगा मैं पी नहीं सकती एक्चुअली। मैं करने लगी हूँ डिनर, ये वही बेसन की रोटी जो मैंने बनाई थी आज, तो तोड़ के मैंने अभी गर्म की है और साथ ही सालन थोड़ा खुश्क हो गया। ये मैंने वो जो भुजिया बनाई थी ना तुरई की, सालन तुरई की भुजिया, ये वो मैं बेसन की रोटी के साथ अब खाने लगी हूँ। और यही मेरा डिनर है, डाइटिंग वाला डिनर।